असलकम स्टूडेंट्स योर टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ़ सेग्रीगेशन सबसे पहले कि मैंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने जो मेजर प्लांट लिया था वो था सीड प्लांट था, था वो था पी प्लांट ठीक है मटर का पौधा था अब उसके ऊपर उसने स्टडी की एक्सपेरिमेंट्स किए मैंडल स्टडीड़ द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप फर्स्ट सबसे पहले कि उसने सीड की शेप को देखा ठीक है जो सीड शेप में क्या आता है कि मटर के पौधे की शेप को उसने देखा कि वो राउंड है या रिंकल्ड है अब ये एक ट्रेड को उसने डिस्कस किया एक ट्रेड के ऊपर काम किया ठीक है इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर दिस परपज ही क्रॉस टू प्लाट्स हैविंग वन कंट्रास्टिंग पेयर एंड हैविंग वन कंट्रास्टिंग ट्रेट सीड शेप ठीक है उसने एक ही ट्रेट को दो डिफरेंट प्लांट्स में स्टडी किया और उनके दरम्यान क्रॉस करवा के भी उनको स्टडी किया अक्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज स्टडी एट अ टाइम इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैं क्रॉस अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडिड प्लांट विद अ ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीडिड प्लांट एक प्लांट लिया जिसके जो सीड्स थे या मटर थे वो बिल्कुल राउंड शेप में थे और दूसरा जो प्लांट था उसके जो सीड थे वो रिंकल्ड थे अब ये ट्रेड तो एक ही है बेशक दोनों प्लांट्स में डिफरेंट है इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस अब इसके अंदर हम हाइब्रिड क्रॉस को आ, देखेंगे उससे पहले हम सीड शेप देखेंगे ये है राउंड और नीचे है रिंकल्ड ये एक एक ट्रेट है सेकंड ट्रेट क्या है सीड कलर अगर येलो है और ग्रीन है ये अब डिफरेंट है दोनों प्लांट्स के अंदर लेकिन ये ट्रेट एक है ठीक है नेक्स्ट देर इज़ फ्लावर कलर ये एक ट्रेट है आइदर इज पर्पल और वाइट नीचे है पॉड शेप ठीक है फ्लैट है या कंस्ट्रक्टेड है उससे नीचे है कि कलर uh, क्या है पॉड का ग्रीन है या येलो है उससे नीचे है, क्या है फ्लावर पोजीशन क्या है एक्सियल है या टर्मिनल है ठीक है उससे उसके बाद क्या है स्टेम लेंथ क्या है लॉन्ग है या शॉर्ट है ऑल रिजल्टिंग सीड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन वर्ल्ड राउंड क्या हुआ कि जब रिंकल्ड और राउंड का क्रॉस हुआ तो जो रिजल्टिंग सीड्स थे ठीक है वो थे राउंड इसका मतलब कि जो राउंड है दैट इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड ठीक है मैंडल्स डिक्लेयर द्रेट राउंड सीड्स एज डोमिनेंट वाइल्ड रिंकल्ड सीड एज रिसेसिव ठीक है रिंकल सीड्स थे वो रिसेसिव थे और राउंड सीड्स प्रोमिनेंट थे डोमिनेंट थे इसीलिए उन्होंने अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो किया ठीक है द फॉलोइंग ईयर मेंडल प्लांटेड दिस सीड्स एंड अलाउड द न्यू प्लांट्स टू सेल्फ फर्टिलाइज अब जो राउंडेड थे राउंडेड सीड्स थे ठीक है सीड प्लांट्स थे उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइज किया ठीक है अपने आप से ही उन्होंने क्रॉस किया अपने पौधे से ही क्रॉस uh, किया ठीक है उसको कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन एज अ रिजल्ट ही गॉट सेवन थ्री ट्वेंटी फोर सीड्स फाइव फोर सेवेंटी फोर राउंड एंड एटीन फिफ्टी रिंकल्ड अब जो राउंडेड है वो ज्यादा है थ्री जो उसकी रेशो ज्यादा है थ्री राउंड रेशो वन रिंकल्ड ठीक है द पेरेंटल जनरेशन इज डिनोटेड एज पी वन जनरेशन और जो उसके ऑफस्प्रिंग होंगे आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसको कहेंगे फर्स्ट फिलाइल जनरेशन ठीक है उसके बाद जो फर्स्ट फिलाइल जनरेशन का जो क्रॉस होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा सेकंड फिलइल जनरेशन द क्रॉस इन फर्स्ट फिलइल जनरेशन प्रोड्यूस एफ टू जनरेशन दैट इज कॉल्ड सेकंड फिलइल अब इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन है <coughs> उसके अंदर राउंड सीड प्लांट्स हैं राउंड सीड्स हैं और रिंकल सीड्स हैं ठीक है फर्स्ट जनरेशन में क्या आया कि सारे राउंड थे ठीक है अगर हम जीन पेयर लें उसके अंदर पहला जो अलील है वो कैपिटल आर है और जो दूसरा है वो स्मॉल आर है एंड द कैपिटल आर इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर ठीक है राउंड इज़ डोमिनेंट ओवर रिसेसिव तो क्या होगा डोमिनेंट शो हो गए तो जो जनरेशन होगी फर्स्ट फिलहाल जनरेशन उसके अंदर सारे सीड्स थे राउंड उसके बाद हुई सेल्फ फर्टिलाइजेशन फर्स्ट फिलहाल जनरेशन ने अपने साथ ही क्रॉस किया है ठीक है उसको भी कहेंगे फर्स्ट फिलहाल जनरेशन राउंड ने राउंड के साथ ही क्रॉस किया है तो सेकेंड फ़िलहाल जेनरेशन में क्या आएगा सेवेंटी फाइव परसेंट थे उसके अंदर राउंड और ट्वेंटी फाइव परसेंट थे उसके अंदर रिंकल्ड ठीक है ये कितनी रेशो बनी थ्री रेशो वन सिमिलरली वैन ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स आर क्रोस्ड विद ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट्स अब एक और ट्रेट आ गई हाइट ठीक है हाइट आ गई अब इसके अंदर हाइट के अंदर टू कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट्स हैं वो कौन सी हैं टॉलनेस है और शॉर्टनेस है ठीक है या ड्राफनेस उसे कहेंगे

रेशो ऑफ टाल टू शॉर्ट प्लांट इन एफ टू सेकेंड फिलाई जनरेशन इज थ्री रेशो वन अगेन सेवेंटी फाइव परसेंट था टॉल प्लांट का और ट्वेंटी फाइव परसेंट था डवाफनेस का ठीक है मैं ट्रेड्स अंडर स्टडी वर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रिट सेपरेबल फैक्टर्स और जीन्स ठीक है ये जो ट्रेड्स हैं वो जीन्स से कंट्रोल्ड है जीन्स के अंदर होते हैं यर्स ठीक है इन ईच ऑर्गेनिजम जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन ये जो जीन्स होते हैं इनके अलील पेयर होते हैं वो आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं ठीक है फ्राम ईच अदर एंड ईच गेमीट रिसीव्ज वन जीन फ्रॉम वन पेयर जब गेमीट्स मेल और फीमेल पेरेंट्स के यूनाइट होते हैं तो जो रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग होते हैं गेट्स द जीन्स इन पेयर लॉ ऑफ्रीगेशन इस लॉ को कहा जाता है सेग्रीगेशन ठीक है अब इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन है उसके अंदर राउंड और रिंकल्ड का क्रॉस करवा रहे हैं ठीक है राउंड सीट्स है और रिंकल्ड है उसके क्या मीट्स लेंगे कैपिटल आर है स्मॉल आर है इसके बाद एफ वन जनरेशन क्या आएगी उसके अंदर जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट होगा स्मॉल आर पे स्मॉल आर क्या है रिसेसिव जब कैपिटल आर डोमिनेंट होगा तो इसका मतलब सारे सीड्स क्या होंगे राउंड शेप में होंगे ठीक है अब इन जो कैपिटल आर और, और स्मॉल आर का हमारे पास आया है रिजल्ट इसके इसको फिर सेल्फ फर्टिलाइज़ करवाएंगे ठीक है एफ वन राउंड को एफ वन राउंड के साथ ही क्रॉस ओवर करवाएंगे जो गेमीट्स हैं फिर इसके गैमेट्स लेंगे तो एफ़ टू जनरेशन किस तरह से आएगी अब हम यहाँ पे देखेंगे ये था कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्रॉस ठीक है सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है ना इसके अंदर कैपिटल आर लेंगे नीचे स्मॉल आर है ये इसके गैमेट्स हैं फिर हमने उसको इस तरह से जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है उसको इस तरह से रखा और कैपिटल आर और स्मॉल आर है उसको इस तरह से रखा है इसको स्केयर uh, फॉर्म में इसको हमने लिखना है ठीक है अब कैपिटल आर और कैपिटल आर ने जब क्रॉस किया तो कैपिटल आर कैपिटल आर इसके अंदर क्या हुआ ये राउंडेड शेप में आ गए ठीक है कैपिटल आर स्मॉल आर इसमें भी राउंड शेप आ गई क्योंकि कैपिटल आर वो डोमिनेट है स्मॉल आर पे फिर ये जो स्मॉल आर है फिर इसने कैपिटल आर के साथ किया फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया फिर जब आर स्मॉल आर और स्मॉल आर का क्रॉस ओवर हुआ तो क्या गया? आ गया रिंकल्ड आ गए ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट रिंकल्ड आया नेक्स्ट डे इज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फिर क्या हुआ कि जो मेंडल है उसने दो ट्रेड को स्टडी करना शुरू कर दिया ठीक है जब दो ट्रेड को एक वक्त में स्टडी करते हैं तो इस क्रॉस को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस ठीक है मेंडल स्टडी टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एट अ टाइम सच क्रॉसेज आर कार्ड डाई हाइब्रिड क्रॉसेज ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन टू सी ट्रेड्स शेप एंड कलर दो ट्रेड्स उसने ली एक शेप है और एक कलर है शेप में हमने देख लिया राउंड और रिंकल्ड के बारे में है और कलर में हम देखेंगे कि ग्रीन है आइदर इट इज ग्रीन और येलो ठीक है द ट्रेट ऑफ राउंड सीड्स कंट्रोल बाय अलील आर कैपिटल आर हम ये पढ़ चुके हैं वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड कंट्रोल्ड बाय अलील आर स्मॉल आर सीड्स सिमिलरली येलो सीड कलर येलो जो सीड कलर है कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट होगा और जो ग्रीन है कैपिटल कंट्रोल्ड बाय स्मॉल वाई ठीक है वो इससेव होगा मेंडल क्रॉसड आर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट दैट येलो सीड्स राउंड येलो सीड्स में अब क्या होगा एक तो कैपिटल आर डोमिनेंट होगा और दूसरा कैपिटल वाई डोमिनेंट होगा विद ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ग्रीन सीड स्मॉल 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 आर 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 एंड वाई वाई ऑल सीड्स इन जनरेशन राउंड येलो पेरेंटल जनरेशन क्या है सबसे पहले राउंड येलो की ट्रेड के लेने हमने कैमिल्स और नेक्स्ट क्या है रिंकल्ड ग्रीन की ट्रेड के हमने जीन्स लेने हैं ठीक है उसमें से क्या है आर वाई और आर वाई आ गया ठीक है कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर और इसमें से बना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अब जो कैपिटल आर है वो राउंड को शो कर रहा है और दैट इज डोमिनेट ओवर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई दैट इज डोमिनेट ओवर स्मॉल वाई ये क्या हमारे पास आ गई एफ वन जनरेशन फर्स्ट फ़िलइल जनरेशन वैन फर्स्ट फ़िलइल जनरेशन एफ वन सीड्स ग्री इन प्लांट्स दे वर सेल्फ फर्टिलाइज दिस क्रॉस प्रोड्यूस सीड्स विथ फोर टी फिनोटाइप ठीक है सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी फर्स्ट फिलाइल जनरेशन जो है वो अपने आप से ही क्या फर्टिलाइजेशन करेगी इट्स मिन एफ वन क्रॉस विथ एफ वन ठीक है देर वर थ्री फिफ्टीन राउंड सीड्स वन जीरो एट राउंड ग्रीन सीड्स वन जीरो वन रिंकल्ड येलो सीड्स एंड थर्टी टू रिंकल्ड ग्रीन सीड्स रेशोटाइर नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन ठीक हैडल एक्सप्लेन दैट दू शेप एंड सीट कलर आर नॉट टाइड विद ईच अदर ठीक मैंडल्स ने ये एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि दो ट्रेड्स उसने एक साथ स्टडी किए लेकिन एक ट्रेड का दूसरी ट्रेड के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है कोई ताल्लुक नहीं है ठीक है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो असॉर्ट हो रही है और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही है सेग्रीगेट हो रही है ठीक है दिसग्रीगेशन ऑफ़ आर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल्स हैपन्स इंडिपेंडेंटली ऑफ दग्रीगेशन ऑफ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई अलील्स From his second experiment, Mendel concluded that different traits are inherited independently of one another. This principle is known as law of independent assortment. जब दे उसने देखा कि दो जो जीन पेयर हैं या दो जो सेट ऑफ अलिन हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे एक दूसरे की फिनोटिपिकली प्रेजेंटेशन के लिए ठीक है तो इसको कहेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट <laughs> इसकी डेफिनेशन क्या है दलियन्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू गेमेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलींस ऑफ द अदर जीन्स पेयर अब फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट फिलाईल जनरेशन के साथ सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है ठीक है इसके अंदर राउंड येलो लेंगे और राउंड येलो इन दोनों को ही आपस में फर्टिलाइज करवाएंगे अब जो कैपिटल आर है ठीक है वो आया कैपिटल वाई के साथ फिर कैपिटल आर आया स्मॉल वाई के साथ फिर स्मॉल आर आया कैपिटल वाई के साथ फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई इसी तरह ए, दूसरी तरफ भी इसी तरह हुआ अब इसका हमने एक स्केयर लेना है ठीक है और इनके मीट्स को इस तरह से अरेंज कर लेना है जो पहली जनरेशन है उसके ऊपर लिख देने हैं और जो सेकंड जनरेशन है उसके साइड पे गेट्स लिख देने हैं अब आर वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई है और इधर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है जब हमने इसका क्रॉस किया तो आया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई अब इसके अंदर क्या डोमिनेंट है एक राउंड है और येलो नीचे क्या आया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इसके अंदर क्या आएगा इसके अंदर भी राउंड और येलो उसके बाद क्या है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई इसके अंदर भी आया राउंड येलो ठीक है बिकॉज कैपिटल आर इज़ डोमिनेट ओवर स्मॉल आर नीचे क्या है कैपिटल आर है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसके अंदर भी राउंड और येलो आएगा ठीक है नेक्स्ट क्या है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसके अंदर भी राउंड और येलो आएंगे नेक्स्ट क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल बाय स्मॉल बाय अब इसके अंदर क्या आएंगे राउंड round होंगे राउंडेड होंगे राउंड शेप में लेकिन होंगे ग्रीन ठीक है नेक्स्ट क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसके अंदर भी राउंड और येलो आएंगे फिर क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल बाय स्मॉल बाय इसके अंदर होंगे राउंड होंगे लेकिन होंगे ग्रीन ठीक है इसके अंदर रिसेसिव क्रिएट आ रही है नेक्स्ट <coughs> क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई ये भी राउंड और येलो होंगे नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई आ रहा है कि कलर येलो होगा लेकिन होंगे रिंकल्ड ठीक है इसको कहते हैं पुनर्ट्स केयर ठीक है जिसके अंदर हम गेमिट्स लिख के और उसके क्रॉसेस निकालते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट जो रेशो है वो पता चल जाए कितने रिंकल्ड हैं कितने राउंडेड हैं क्या आ, आ, कितने येलो हैं कितने ग्रीन हैं इसको कहते हैं पुनर्ट्स केयर ठीक है और इसमें रेशो किस तरह से आ रही है नाइन रेशो थ्री रेशो वन ठीक है